नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें दोस्तों सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईमेल आप लोगों ने सुना होगा, जीमेल, गूगल मेल, जो कि हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है जब हम किसी को मेल करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। उसका मैं एक बहुत अच्छा आज एक ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम आएगा। वो कैसे काम आएगा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाने से पहले एक बार आपको जरा यहाँ पर नोटपैड में दिखा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल कॉलेज है, आप कहीं बड़ी सी जगह पर वर्किंग प्लेस पर काम करते हैं, और होता क्या है किसी इवेंट के लिए या किसी भी काम के लिए हम काफ़ी सारी आईडीज़ बना लेते हैं। जैसे कि हमने एक जीमेल आईडी बना ली है, फिर हमने दूसरी जीमेल आईडी बना ली है, फिर हमने तीसरी जीमेल आईडी बना ली है, चार, ऐसे करके हम पाँच जीमेल आईडीज़ को बना लेते हैं। और होता क्या है, फिर ये जीमेल आईडीज़ को आपको मेंटेन करना है, इनके पासवर्ड्स को मेंटेन करना है, फिर इनके ऊपर जो डेटा आता है उन्हें हम मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इन पांच आईडियों की जगह सिर्फ एक आईडी पर काम, जो कि होगी आपकी मेन आईडी। हमें करना क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये पाँच आईडियाँ थी, अब हमें करना क्या है, ये देखिए मेरी आईडी है विवेक 10, ये जो मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। इसके साथ आप जो भी इवेंट मंगाना चाहते हैं, मान लीजिए हमें कहीं से जो है कोई पेपर्स मंगाने हैं या हमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी सारे जो है सिटीज़ में जो है फैला हुआ है। अब मुझे मान लीजिए कि भोपाल से कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, या मुझे भोपाल से कई सारे कंटेस्टेंट्स के या जॉब एस्पिरेंट्स के लोगों के रिज्यूम्स ही मंगाने हैं, तो मैं यहाँ पर मेरी आईडी लिखने के बाद मैं यहाँ @gmail.com से पहले लिखूँगा प्लस, ये मैंने प्लस लिखा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ भोपाल, ये मैंने लिख दिया है भोपाल, और यहाँ मैंने लिख दिया है @gmail.com। देखिए दोस्तों, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने किया क्या है, मेरी ईमेल आईडी में मैंने जो कि एक्स्ट्रा पुट किया है, ये देखिए मेरी ये ईमेल आईडी है vivek10bharadwaj@gmail.com। यहाँ पर मैंने इसकी प्लेस पर क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है प्लस भोपाल। एज इट इज़ दोस्तों, हम यहाँ पर एक कोई दूसरा शहर ले लेते हैं, और हम चाहते हैं अब कोई जो है डॉक्यूमेंट या रेज्यूम जो भी है दिल्ली से मंगाना, तो देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ दिल्ली लिख दिया है। अब हमने सेम मेरी एक ही ईमेल आईडी पर प्लस दिल्ली लिख दिया है। अब हम ऐसे ही जो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए हम इंदौर लिख देते हैं, ये मैंने इंदौर लिख दिया है, ये इंदौर लिख दिया है, ये मैंने तीसरी जगह से कोई चीज़ मंगा ली है, चौथा मैं यहाँ पर मुंबई कर लेता हूँ, और मैं यहाँ प्लस में लिख रहा हूँ मुंबई। ये दोस्तों आपको बताने में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको जो है पूरी लाइफ टाइम ये काम आने वाला है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छी दोस्तों ये ट्रिक है, अभी तक यूट्यूब पर आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ लिख दिया है vivek10bharadwaj+mumbai@gmail.com। दोस्तों देखिए मेरी आईडी एक ही है, लेकिन मैं अब चार सिटियों के रिज्यूम या डॉक्यूमेंट जो है इन पर्टिकुलर मेरी एक आईडी पर मंगाऊंगा। बस मैंने किया क्या है, उस आईडी के बीच में लिख दिया है प्लस भोपाल, प्लस दिल्ली, प्लस इंदौर, प्लस मुंबई। बस अब आते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर, देखिए ये मेरा एक जीमेल खोला हुआ है, यहाँ से मैं मेल करूँगा मेरे vivek10bharadwaj वाले मेल पर। मैं पहला लिखता हूँ विवेक, और यहाँ लिख रहा हूँ 10, यहाँ मैंने लिख दिया है भारद्वाज। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ लिखना है प्लस, ये मैंने प्लस लिखा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ भोपाल, ये मैंने भोपाल लिख दिया है। अब मैं लिख दूंगा @gmail.com। दोस्तों इसके बाद हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया है फ्रॉम भोपाल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हाय भोपाल। इसके बाद मैं यहां से सेंड कर रहा हूं, तो ये जो है अभी देखिए 508 मुझे मेल आए हुए हैं, ऊपर आप यहां देख सकते हैं, अभी 509 हो जाएंगे इस ईमेल आईडी पर। ये मैंने यहां से सेंड कर दिया है, सेंड करने के बाद ये पर्टिकुलर मेरे उस जीमेल आईडी पर चला गया है। मैं एक नया काम पोस्ट करता हूं,
अब मान लीजिए हमें दूसरे शहर से काम करना है, दूसरी जगह से कोई चीज़ मंगानी है, दूसरा कोई इवेंट करना है, तो हम हमारी एक ही आईडी का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने विवेक, इसके बाद मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा भारद्वाज। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा प्लस का सिंबल, और अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ दिल्ली। मैंने नेक्स्ट वहाँ दिल्ली लिखा हुआ था, विवेक 10 भारद्वाज प्लस दिल्ली, इसके बाद @gmail.com, ये मैंने लिख दिया है @gmail.com। अब मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ फ्रॉम दिल्ली, और ये हम सैम्पल के लिए लिख देते हैं हाई दिल्ली 10। मैं इसको यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरा जो है दोस्तों यहाँ से देखिए सेंड कर दिया है, ये भी जो है यहाँ पर सेंड हो गया है। मैं आपको वो दो और जो बचे हैं वो करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको मेरी मेन आईडी पर लेकर चलूंगा और वहाँ दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे एक ही ईमेल आईडी पर आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट कंपोज कर रहा हूँ। अब कंपोज करने के बाद हमें लेना है विवेक 10 भारद्वाज, इसके बाद हम यूज़ करेंगे प्लस, प्लस के बाद हमें लिखना है इंदौर, इंदौर के बाद हमें लिखना है @gmail.com। तो दोस्तों इस प्लस साइन का यूज़ करके देखिए आप कितना ज़्यादा काम को बचा सकते हैं, अलग अलग आईडीज बनाने से बचा सकते हैं आप फ्रॉम इंदौर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हाय, ये मैंने लिख दिया है हाय इंदौर, और मैंने यहाँ से इसको भी सेंड आउट कर दिया, सेंड हो गया है। अब एक और लास्ट बचा है जो कि हमें मुंबई के उसमें यूज़ करना था, हम लिखते हैं विवेक 10 भारद्वाज प्लस, और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुंबई, मुंबई के बाद मैंने लिखा @gmail.com, ये मैंने लिख दिया है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ फ्रॉम मुंबई, और यहाँ लिख देते हैं हाय मुंबई। अब दोस्तों मैं आपको एक बार और भोपाल के ईमेल से जो है आपको ईमेल करके दिखाऊंगा, उसका कारण क्या है कि जब हम हमारे इनबॉक्स में ये मल्टीपल मैसेजेस को देखेंगे तो वहाँ पर एक फिल्टर की मदद से मैं पर्टिकुलर जो है सिटी का वहाँ से डेटा इजीली ईमेल जो है निकाल पाऊँगा। देखिए मैं यहाँ पे लास्ट एक मेल और कर देता हूँ, यहाँ लिख दूँगा भोपाल प्लस, और ये जो आ गया है देखिए भोपाल @gmail.com। मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया है फ्रॉम भोपाल, और हम यहाँ लिख देते हैं, और दोस्तों मैं इसको जो है यहाँ से सेंड कर दिया है। ये मैंने देखी पांचों मेल यहाँ सेंड कर दिए हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको यहाँ हमारे दूसरे ईमेल के इनबॉक्स में, यहाँ पर जो हमें मेल आए हुए होंगे, देखिए ये अभी रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर वो सारे मेल जो है एक एक करके आ जाएंगे। हम इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये यहाँ पर लोडिंग हो रही है, और ये देखिए दोस्तों ये आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है ये पांच मेल अभी जो हमने किए थे ये सभी मेरे दूसरी आईडी से किए थे, यहाँ आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। अब जो है आपने देखा होगा मैंने अलग अलग ईमेल आईडी वहाँ पर यूज़ किए थे, जिसमें मैंने प्लस भोपाल प्लस दिल्ली प्लस इंदौर प्लस मुंबई प्लस भोपाल लिखा था, और ये मुझे एक ही ईमेल आईडी पर जो है मिल गए हैं। अब दोस्तों करना क्या है, अब मुझे यहाँ पर लगाना है फिल्टर। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में हैं और डिपार्टमेंट से आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो है कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, कोई फाइल्स लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उस कॉलेज के उस स्कूल के नाम के साथ प्लस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे और @gmail के साथ उसको मेल कर देंगे। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जो कि मैंने दो मेल अभी किए हैं भोपाल के लिए, वो मैं यहाँ सर्च करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है विवेक, यहाँ लिखते हैं 10 भारद्वाज, और अब हम यहाँ लिखने वाले हैं प्लस, और प्लस के साथ हम यहाँ लिखेंगे भोपाल, ये हमने लिख दिया है प्लस भोपाल, और ये देखिए ये ऊपर आपको दिख रहा है ये फिल्टर लग गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पूरे इनबॉक्स में सिर्फ वो दो मेल आपको सामने शो होंगे जो दो मेल मैंने इस पर्टिकुलर आईडी से लिखे हैं। देखिए ये दो मेल आपको दिख रहे हैं, विवेक 10 भारद्वाज प्लस भोपाल का मैंने यूज़ किया, और ये दो मेल जो अभी अभी आए हैं ये 10:30 और 33 मिनट पर, ये देखिए ये दोनों मेल मुझे यहाँ आ गए।
दोस्तों ये देखिए आपको कैसा लगा, मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ प्लस साइन का यूज करके उस पर्टिकुलर शहर का नाम लिख दिया। आप अपने काम के अनुरूप अनुसार जो है अलग अलग कामों को यहाँ पर प्लस के साथ लिखकर @gmail.com के साथ उसको सेंड कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपको ढेरों 50 आइडिया नहीं बनानी होंगी, उनके पासवर्ड्स को सेव नहीं करना होगा और आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको प्लस लगाना होगा उस पर्टिकुलर शहर का या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उस पर्टिकुलर काम का नाम @gmail.com के साथ लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास इनबॉक्स में ये सारे मेल जो है आ जाएंगे और जब हमें पर्टिकुलर उससे काम निकालना होगा और वो सारे मैसेज चेक करने होंगे तो हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। और फिल्टर लगाने के बाद देखिए, जैसे हमने ये भोपाल का निकाला था, ऐसे जो है हम प्लस के बाद यहाँ से इंदौर का निकाल देंगे। ये देखिए, ये इंदौर का आ गया है, इंदौर का एक मेल किया था तो यहाँ पर आपको इंदौर का फिल्टर के बाद एक मेल देखिए ये ओपन हो गया, हाय इंदौर विवेक भारद्वाज यूट्यूबर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि ये वीडियो को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना था इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और हम कह सकते हैं ऐसे दौर में जहाँ पर हम सारा काम IT से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईमेल IDs को मेंटेन करना, कंटेन करना बहुत ज़्यादा हॉस्पॉच हो जाता है। अब से आप इस वीडियो को देखें, फॉलो करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और आपके कलीग्स को इस ट्रिक का पता चल सके और वह भी सिर्फ एक gmail ID को मेंटेन करें और उस gmail ID का यूज़ करके जो है अपने काम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।